मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो फिर फासला क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2023 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2017 में, 2016 में, 2014 में और 2013 में, 2010 और 2001 में भी ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलिए फिर इसे करते हैं सोल्व। तो देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं। जल का आपेक्षिक घनत्व एक मानते हुए शुद्ध जल में H2O बोले तो जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्लियर? ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। आसुत, इसे छोटी मात्रा आ गई, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है। चार ऑप्शन आपके पास हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए, बहुत ध्यान समझेंगे। हम लिखेंगे जल का आपेक्षिक घनत्व, घनत्व बोले तो डेंसिटी, क्या है? एक है। तो अगर हम बात करें जल का घनत्व की, जल का घनत्व क्या होगा भाई? 1 ग्राम पर ml है। फिर हम आपसे कहें जल के 1 लीटर बोले तो 1000 ml, जल के 1 लीटर बोले तो 1000 ml का भार, या मैं कह दूं द्रव्यमान कितना होगा भाई? 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करें, अब हम यहां से जल का मोलर द्रव्यमान बोले तो मोलर मास या अणु भार, मोलिक्यूलर वेट निकाल लो। आप देखिए जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O भाई, क्या होता है? H2O होता है, ये होता है ना फॉर्मूला H2O, ये तो होता है। H कितने हैं इसमें बताओ? सर 2H परमाणु है। कितने परमाणु हैं? 2 हैं। तो H का परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 होता है। और कितने H हैं? 2 हैं, तो गुणा कर देंगे 2 से। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट परमाणु भार 16 होता है, तो कितना आ गया बेटा? 18 ग्राम पर मोल। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए सब वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो अब हम मोलरता का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है मोलरता, जिसे हम डिनोट कैसे करते हैं बेटा? कैपिटल M से। मोलरता बराबर H2O का द्रव्यमान बटे H2O का मोलर द्रव्यमान, यही होता फॉर्मूला, और अपॉन आयतन काय में, आयतन लीटर में। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, रखिए वैल्यू, H2O का द्रव्यमान 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, H2O का मोलर द्रव्यमान 18, आयतन काय में लीटर में, देखिए जल के 1 लीटर, 1 लीटर यानी हमने 1। क्लियर? चलो मत लिखो, ग्राम मत लिखो। अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू आ गई, तो जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो बेटा ये डिवाइड होगा लगभग इतने में। क्लियर? और ये हो गया एम, एम लिख दो, या फिर
क्या लिख सकते हो मोल पर लीटर, या क्या लिख सकते हो? तो कोई भी ऑप्शन अगर आपका इस तरह दिखाई देता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्लियर। और कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये न्यूमेरिकल जो मैंने यहां पर सॉल्व किया। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।